वेलकम बैक वंस मोर, नमस्ते टू यू ऑल। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट टू में उन चार प्रमुख चीज़ों का क्रमवार विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिनका कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय बहुत बड़ा योगदान होता है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वी विल रीड अबाउट फोर इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग्स which are mandatory as well as compulsory too for everybody regarding to conversion any sentence from direct to indirect or from indirect to direct. Yesterday I told you these four things are as pre vidyarthiyon kal maine aapko bataya tha कि किसी भी सेंटेंस को, स्पीच को, स्टेटमेंट को व्हेन वी वांट टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और व्हेन वी वांट टू चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट नरेशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो फोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ कंजंक्शन। कल मैंने आपको बताया था कि वक्ता की जब कही बात अपने शब्दों में कहते हैं, सबसे पहले देखो भाई इन्वर्टेड कामा हटते हैं। कंजंक्शन का कर प्रयोग तब वाक्य बनाए जाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो व्हेन वी चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन देन वी से मीनिंग्स ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट सेड बाय ओरिजिनल स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स एंड we use conjunctions and we change any speech from direct to indirect form. There are three conjunctions mostly used in reported speech. यहाँ पर तीन संबंध सूचक अव्यय प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इफ, वेदर और दैट। इफ, वेदर और दैट। इफ एंड वेदर बोथ आर इक्वल एंड इक्वलेंट। इफ और वेदर दोनों एक जैसे हैं, समतुल्य हैं, सो वी यूज आइदर इफ और वेदर। जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है हम इफ या वेदर दोनों में से एक का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ पर सामान्य बातें होती हैं, सामान्य का मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वहाँ पर हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब यू मस्ट नो अबाउट द यूज ऑफ दीज कंजंक्शंस। अब आपको इन कंजंक्शन का प्रयोग अवश्य जानना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू यूज ऑफ दैट। आई टोल्ड यू दैट इज यूज इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन अफर्मेटिव फॉर्म
आर इन निगेटिव फॉर्म। नॉट इन क्वेश्चन, जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में होती है, साधारण वाक्य में होती है, भले ही वो सकार या नकार का हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, तो हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य है, राकेश सेज, नीचे कामा, इन्वर्टेड कामा में वाक्य है, आई एम रीडिंग ए बुक। राकेश सेज कामा, इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच है, आई एम रीडिंग ए बुक। राकेश कहता है मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक इज द ओरिजिनल सेंटेंस ऑफ राकेश, शेड बाई राकेश। आई एम रीडिंग ए बुक यह राकेश ने अपने मुंह से कहा है, इसीलिए इस कथन को इन्वर्टेड कामा में रखें। इन्वर्टेड कामा में होने के कारण इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ओरिजिनल सेंटेंस ऑफ द स्पीकर, वक्ता का मुख्य कथन। और उसके पहले है राकेश सेज, राकेश कहता। तो अब प्रश्न उठता है कि यह सेंटेंस चूंकि इन्वर्टेड कामा में ओरिजिनल स्टेटमेंट है राकेश का, इसलिए दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू डायरेक्ट फॉर्म, यह तो प्रत्यक्ष रूप का है। हाउ वी कैन मेक इनडायरेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, तो हमें देखते हैं कि इन्वर्टेड कामा में जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किस रूप में है, अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेशन विद नेगेशन में है, किस रूप में है। तो हम देख रहे हैं कि आई एम रीडिंग ए बुक ए साधारण वाक्य है, कंटिन्यूअस टेंस में, साधारण प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, सकार है, सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होने की कंडीशन में दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन में नहीं करते। तो अब इसका हो जाएगा राकेश सेज दैट, राकेश सेज दैट ही इज रीडिंग ए बुक। राकेश कहता है कि वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है यूज ऑफ इफ और वेदर, इफ और वेदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यू मस्ट रिमेंबर इफ और वेदर आर यूज्ड व्हेन द सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमाज मींस When reported speech is a question, whose answer is yes or no type. यदि reported speech एक प्रश्नवाचक है, कथन है, क्वेश्चन है, जिसका कि उत्तर हम हाँ या ना में भी दे सकते हैं, यस आर नो। जैसे टीचर शेड टू मोहन कामा बंद कामा इन्वर्टेड कामा में आर यू स्लीपिंग इन द क्लास कामा बंद हो गया। टीचर सेड टू मोहन नीचे कामा फिर इन्वर्टेड कामा आर यू स्लीपिंग इन द क्लास इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। टीचर ने मोहन से कहा कि क्या तुम कक्षा में सो रहे हो, क्या तुम कक्षा में सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग इन द क्लास। मोहन वो आंसर दे सकता नो सर, नहीं, या यस सर, हाँ, अर्थात जैसे आर यू ईटिंग मैंगोज मोहन, नो,
नहीं यस हाँ, जहां रिपोर्टेड स्पीच इस प्रकार के हों, जैसे द पुलिस सेड टू टीचर आर यू गोइंग टू योर स्कूल, तो यस आई एम गोइंग टू माई स्कूल, नो आई एम नॉट गोइंग टू माई स्कूल। तो जहां पर रिपोर्टेड स्पीच ऐसे क्वेश्चन के रूप में हो जिसका उत्तर सामान्यतः हम यस या नो टाइप आंसर में दे सकते हैं, देन वी मेक इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सच सेंटेंसेज बाय द यूज ऑफ कंजंक्शन इफ आर वेदर। तो ऐसे वाक्यों का हम इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप दैट इफ या वेदर के प्रयोग के बारे में अवश्य अवगत हो गए होंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन WH फॉर्म क्वेश्चन, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH मीन्स वेयर हुज व्हेन व्हाई हुम हाउ, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होकर के ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंस के रूप में है, क्वेश्चन में है, जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकता, इफ बी बिकम अनेबल टू गिव आंसर ऑफ एनी सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस हु इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच विद इन इन्वर्टेड कामाज इन यस आर नो फॉर्म, मीन्स वेन रिपोर्टेड स्पीच बिगिन्स विथ WH वर्ड्स एज ए क्वेश्चन सेंटेंस देन नाइदर इफ नॉर वेदर इज यूज, हियर नो कंजंक्शन इज यूज। अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्डों से शुरू होती है, वेयर वेन हुज व्हाई हाउ हु, तो चूंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो टाइप नहीं दे सकते, इसलिए जिन रिपोर्टेड स्पीच के कथनों में जो प्रश्नवाचक होंगे हुज आंसर्स जिनके उत्तर विल नॉट बी यस या नो टाइप, जिनके उत्तर यस या नो टाइप के नहीं होंगे, देर वी यूज नो कंजंक्शंस वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्डों से शुरू होती है तो उनका उत्तर यस नो टाइप नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। जैसे द पुलिस मैन सेज वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब प्रश्न उठता है अगर पुलिसमैन ये कहा होता द पुलिसमैन सेज आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो, इतना ही रिपोर्टेड स्पीच होता, इसका उत्तर होता यस या नो। तो यहाँ इफ या वेदर चाहे जो आप लगा देते, लेकिन यहाँ पर आ गया वेयर आर यू गोइंग, WH वर्ड आ गया। तो जहाँ पर WH आते हैं वहाँ पर कोई भी कंजंक्शन प्रयोग नहीं किया था। द पुलिसमैन सेज वेयर वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आई वाज गोइंग, यहाँ पर
परिवर्तन करना पड़ता है। आगे मैं आपको चेंज इन प्रोनाउंस बताऊंगा, लेकिन डब्ल्यू एच आने पर किसी प्रकार का कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता। अब प्रश्न उठता है जो कि टेक्निकल भी है, यूजेज एंड चेंजेज इन टेंसेज, टेंसों का प्रयोग और में परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट वाक्य से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंसों के परिवर्तन पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। इसलिए इफ वी विल बी अनएबल टू नो यूजेज एंड चेंजेज ऑफ टेंसेज इन एनी फॉर्म, देन हाउ वी कैन से दैट वी कैन चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। कैसे कह सकते हैं जब आपको परिवर्तन नहीं होगा? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली दैट देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ टेंसेज, टेंसों के तीन रूप होते हैं, काल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये बात और है कि इन तीनों टेंसों के फिर चार चार उपभेद हो जाते हैं, बट हियर आई एम आस्किंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इनके चारों भेद इसमें समाहित हैं, मिलेंगे। हमने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच को प्रारंभ करे जो वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को प्रारंभ करे जो वर्ब, नाम रिपोर्टिंग वर्ब है, करती खुद पर गर्व। रिपोर्टेड स्पीच को प्रारंभ करे जो वर्ब, नाम रिपोर्टिंग वर्ब हो, करती खुद पर गर्व। जैसे हमने बताया था कि राकेश सेज, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा में आई एम रीडिंग ए बुक। यहाँ पर राकेश सेज से कहना, अब चूंकि सेज से प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है सेज, इसका सेड हो जाता है पास्ट। अब राकेश सेज, राकेश कहता है, तो चूंकि राकेश सेज लगा हुआ है इसलिए मालूम हो गया कि से यानी कहने की क्रिया जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, से जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। और चूंकि यह रिपोर्टेड स्पीच को व्यक्त करती है, राकेश यहाँ स्पीकर है, स्पीकर ने क्या कहा है, कहा आई आई एम रीडिंग ए बुक। कैसे पता चलेगा? सेज से राकेश कहता है, राकेश बोलता है, कहता है। तो यहां पर सेज जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। हमें डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट बनाते समय अवश्य रूप से, अवश्यमेव रूप से ध्यान देना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। आपने थोड़ी सी भी गलती कर दिया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए इट इज मैंडेटरी टू कंसीडर रिपोर्टिंग वर्ब टेंस, मींस रिपोर्टिंग वर्ब इन विच टेंस। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर बिफोर चेंजिंग एनी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब यहां पर सेज है, कहीं कहीं आता है द पुलिसमैन सेड टू थीव, पुलिसमैन ने, सिपाही ने चोर से कहा, यहां सेड आ गया, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आ गया सेड, पास्ट टेंस हो गया। और कहीं कहीं आ सकता है कि राम विल से कामा, इनवर्टेड कामा में आई एम प्लेइंग ए बुक। अब यहां पर से के पहले विल लग गया, ये फ्यूचर टेंस का हो गया, यानी सेज
शेड, विल से। तीन प्रकार से का प्रयोग हो सकता है। अगर से जाता है तो प्रेजेंट टेंस है, शेड आता है, शेड टू आता है तो पास्ट टेंस, और विल से के फॉर्म में आ जाता है। विल से के तमाम रूप हैं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बदलते रहेंगे, लेकिन विल से अगर शुरुआत में आ गया तो फ्यूचर टेंस का हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहेगा तो कैसे परिवर्तन होगा। तो एक सूत्र आपको याद रखना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का हर टेंस में परिवर्तन नहीं करने की बात करती है। क्या कहती है? फ्यूचर या प्रेजेंट में, फ्यूचर या प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब, फ्यूचर या प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का कभी न बदले मर्म भाव। कहते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, सेज है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में विल से है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट आर इन फ्यूचर टेंस देन देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड इज टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसकी आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, हर रूप में से गांठ बांधनी पड़ेगी। इसका मतलब द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज ओनली एंड ओनली इफ रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में संबंधित होती है, भूतकाल से संबंधित होती है। इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान दे करके इसका अध्ययन करना चाहिए। एक चीज और कि कभी कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जहां पर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एग्जम्पशन के रूप में है। यानी समटाइम्स वी सी दैट देर इज नो चेंज इन टू द टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इन सच कंडीशंस वी कैन से दैट दैट सिचुएशन मे बी यूनिवर्सल ट्रूथ आर हैबिचुअल फैक्ट। अगर कोई सार्वभौम सत्य है या आदत जन्य कोई बात है जो बदल नहीं सकती, अटल रहती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस भी टेंस में हो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे राकेश शेड द मून शाइन्स इन द नाइट। राकेश शेड, यहाँ पर शेड जो है से का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। नियमानुसार पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना पड़ता है, लेकिन द मून शाइन्स इन द नाइट, चंद्रमा रात में चमकता है, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सार्वभौम सत्य है, चंद्रमा दिन में कभी नहीं चमकता। तो ड्यू टू दिस रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल ट्रूथ, सो देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? राकेश सेड दैट द मून
शाइन्स इन द नाइट। इसी प्रकार सन राज इन द ईस्ट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्रिय विद्यार्थियों, इसके आगे टेंस का परिवर्तन हम आपको कल के वीडियो में पूरी तरह विस्तार से बताएंगे, और आप लोग घर पर पढ़ते रहें, कोई शंका हो तो अवश्य उसके बारे में हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे। कहीं कहीं एक समस्या मैं महसूस करता हूँ, कुछ स्वास्थ्यगत समस्याओं के नाते कभी कभी कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पर मेरी जिह्वा भटकती है। भीतर से मैं सही बोलता हूँ लेकिन जिह्वा वहाँ टूटती नहीं है, यह मेरी स्वास्थ्यगत मजबूरी है, उसको आप सुधार कर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।